जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णां धितधिया वचो वैदेही इति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितं कृतालंका भर्तुर्वदन परिपाटीषु घटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता कुशलाः संस्कृत ज्ञान संस्थवैः संस्कृताः दर्शकाः अयमहं वार्तावली नवांकेन सह समागतः सुनील जोशी प्रकृत्या सदा रामत्वमर्जयतु कामाः सर्वत्र च संस्कृत शिवत्व संसाधकाः वार्तावली वीक्षकाः अयमहं पुनरुपस्थितः नारायण दत्तः कार्यक्रमारम्भात् पूर्वं तु समर्पयामो वयम् अभिवादनमयीं विनीतां नतिं प्रत्येक प्रेक्षकेभ्यः नारायण दत्त किं विना विनीतां नतिं प्रणतिं वा अस्माकं सदाचारः शुभाचारो वा अपूर्णो मन्येत दर्शकैः सुनील शुभाचारस्तु सुशोभते समादरं विनीतभावं च अवाप्य अथ सदाचाराय तु कल्प्यते एव बहुधा विशिष्टं वीक्षणं ज्ञानैर्मनो वपुरवित्तैर्नियमैरिन्द्रियाणि च नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी नवेशवान् स तपस्वी नवेशवान् वास्तव में तपस्वी वही है जिसका मन ज्ञान से शरीर धन से तथा इंद्रियां संयम से शोभायमान है वेश से कोई भी तपस्वी नहीं होता He in reality is an ascetic whose mind glows with knowledge, body with riches and senses with control. Attire doesn't make the saint. दर्शकाः वीक्षते वस्तुतस्तु अस्माभिः सर्वप्रथमं वस्त्रं परिधानमेव परं संसारे यद्दृश्यते सत्स्वरूपं तदेव न भवति पूर्णं सत्यम् इति अस्मत् सुभाषितसारः उचितमुक्तम् इतोऽपि परं यद्दृष्टम् अथ अन्यतो ज्ञातं श्रुतं च अर्धार्धसत्यसंयुतं वृत्तं तत् सर्वथा प्रतिशतात्मकस्तरं नहि प्रतिशतात्मकस्तरमेव अपि तु तत् सत्यं प्रतिपरार्धात्मकस्तरं प्रापयितुं प्रयत्यते डीडी न्यूज इत्येतद्द्वारा प्रवाही वार्ता मुखेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संशोधित नागरिकता अधिनियम विषये समुदीरितवान् यत् अनेनाधिनियमेन न कस्यचिदपि भारतीयस्य हानिः इति प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेस दलमारोपितं यत् तद्देशे भ्रान्तिं समुत्पादयति युवजनाश्च कृते दिग्भ्रान्तानि इति संशोधित नागरिकताधिनियमं विरुध्य जाजायमानानि प्रदर्शनान्यालक्ष्य सर्वोच्च न्यायालयेन चिन्तास्ति प्रकटिता न्यायालयेन प्रदर्शनपरं हिंसाचरणं सार्वजनीन सम्पत्तीनां च विनाशनं सत्वरं रोद्धुं वर्तते विनिर्दिष्टम् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः दिल्ल्यां सशस्त्र सीमाबल सम्बद्धं सैन्य सञ्चलनं निरीक्षत अमितशाहः न्यगदत् यत् भारते सन्धारितां शान्तिं खण्डयितुं प्रयत्नोन्मुखाः जनाः नेपाल भूटानयोः सीमातः अवैधरीत्या सन् प्रवेशरताः किन्तु भारतीयार्धसैनिकबलेन एतन्निभाः प्रयत्नाः विफलीक्रियन्ते भारत संयुक्तराज्य अमेरिकाभ्याम् आतंकवादं विरुध्य त्वरित कठोर कार्यान्वयनार्थं पाकिस्तानम् अस्ति विनिर्दिष्टम् उभयोर्देशयोर्मध्ये विदेशनीति रक्षा विषयान् समेत्य द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बद्धानां व्यापक समीक्षायै अपि जातं साहमत्यम् झारखण्ड विधानसभायाः पञ्चमस्य अन्तिमस्य च चरणस्य मतदानं शान्तिपूर्णं सम्पन्नतां गतम् अस्मिन् चरणे षड् जनपदानां षोडश विधानसभासनेषु मतदानं जातं तत्र हि मतगणना अस्यैव मासस्य त्रयोविंशे दिनाङ्के भविता दिल्ल्याः 30,000 इत्याख्येन न्यायालयेन दुष्कर्म प्रकरणे दोषिणे उत्तरप्रदेशस्य विधायकाय कुलदीपसेंगराय आजीवनं कारादण्डः श्रावितः द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं देशस्य सर्वेषु ग्रामेषु ब्रॉडबैंड इति बृहत्स्तरीयान्तर्जालीयसेवानाम् उपपादनोद्देश्येन राष्ट्रियम् अभियानम् अस्ति समारब्धम् अस्मिन् अभियाने ग्रामीणसुदूरदुर्गमक्षेत्रेषु अल्पमूल्यात्मकस्य बृहत्स्तरीयान्तर्जालीयसौविध्यस्य उपपादनार्थम् अवधास्यते उत्तर भारतस्य अधिकराज्येषु शीतलहरी प्रवर्तते जम्मू कश्मीरे लद्दाखे च अस्ति कम्पन प्रभाव परेण शैत्येन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गोस्ति बाधितोभूत पाकिस्तानस्य विशेष न्यायालयेन पूर्व राष्ट्रपतये परवेज मुशर्रफाय मृत्युदण्डोस्ति श्रावितः मुशर्रफ विरुद्धं 1997 वर्षे संविधान स्थगन प्रकरणे राजद्रोहस्य आरोपः आसीत् प्रायोजितः
अन्योन्य भाषा नवबोध भीते संस्कृत त्रिमाभिर व्यवहारतस्तु दिग्भ्यः समेतेषु नृपेषु तेषु सौवर्गवर्गो न जनै रचहने। संस्कृत संभाषणं तु पुरापि भवति स्म नूनम् इति नैषधीय चरित ग्रंथ वचनम् इदम्। तावत् तेन किम्, अधुना अनतिचिरम् आयायात् संस्कृत दूरदर्शनं नाम प्रसारण वाहिनी अपि इत्युत्प्रेक्षन्ते नु जनाः। एवं परं सम्प्रति तु दर्शकाः वार्ता वार्तावली प्रसारण द्वारा दूरदर्शने संस्कृतस्य भूतं भव्यम्। अथ कथञ्चित् भविष्यमपि विज्ञाय समाश्वासयन्तु आत्मानं भवन्तः एतद् विवरण सन्दर्शनेन। देववाणी संस्कृत भाषा न केवलं भारतीय संस्कृतेः आत्मभूता निःशेष मेधा ज्ञान परंपराणां च संवाहिका अपितु अशेष विश्वस्य नाना भाषाणां संस्कृतीनां च जननी अपि वर्तते। दूरदर्शने संस्कृत वार्ता प्रसारणं 94-1900 वर्षे आरब्धम्। नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि मंगला कौठेकरः, सम्प्रति अद्यतन वार्ता। आदौ तु एतत् साप्ताहिकमासीत्, ततश्च 99-1900 वर्षात् प्रभृति दैनिकम् अभवत्, एवं च संस्कृतानुरागिणां चिरप्रतीक्षिता आकांक्षा पूर्णतां गता। नमस्कारः, अहमस्मि सिद्धिदात्री भारद्वाजः। दूरदर्शनतः संस्कृतवार्ता प्रसारणम् अल्पीयसि एव अवधौ देशविदेशेषु अपरिमितां लोकप्रियताम् अभजत्, तथापि संस्कृतवाङ्मयस्य व्यापकविस्तारं नितान्तगहनतां च उपपादयितुं 5-निमेषात्मकः प्रसारणावधिः नासीत् अलम्। अस्य च परिणामतः 14-2000 वर्षे ऑगस्ट मासे डीडी न्यूज वाहिन्यां संस्कृतभाषायाः आद्यः अर्धहोरावधिकः कार्यक्रमः प्रसारितः। नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत दिवसावसरे अस्मिन् विशिष्ट संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सत्यप्रिया, सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। अनन्तरं च 15-2000 वर्षे शुभारम्भः अभवत् संस्कृतस्य आद्यायाः साप्ताहिकवार्तापत्रिकायाः वार्तावल्याः। अहमस्मि ज्योतिः, मया साकं विद्यते सुनीलजोशी। अहमपि संस्कृतवार्तावल्याः अस्मिन् प्रथमे अङ्के भवतां भवतीनां च हार्दिकम् अभिनन्दनं व्याहरामि। वार्तावल्यां समाविष्टानि सन्ति आधुनिकयुगीनायां कस्याञ्चिदपि वार्तापत्रिकायां निहितानि निखिलतत्त्वानि, अस्यां विलसन्ति विशेषवृत्तान्ताः, विशिष्टातिथिसंवादाः। पूर्णमदः पूर्णमिदं जगत्पूर्णः पूर्णः। मूलप्रयोजनं संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा भवेत्, संस्कृतवाङ्मये विद्यमानं ज्ञानं सर्वैः प्राप्येत। अहं चिन्तयामि ग्रामे ग्रामे, वने वा विपिने, गृहे गृहे, नगरे सर्वत्र संस्कृतगङ्गायाः प्रवाहः भवति। जाहिर बात है कि हिंदुस्तानी संस्कृति से संस्कृत का इतना बड़ा गहरा रिश्ता है कि हमारे जितने भी संस्कार हैं वो इसको बुनियाद मानकर चलते हैं। गीत संगीत चलचित्र संबंधी वृत्तानि च। माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अर्थात मम नाम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वार्तावल्या प्रवर्तितास्ति एका एतादृशी स्पर्धा यया हि महासंजाल सामाजिक संचार माध्यमेषु अभिनवैका परंपरा विन्यस्ता। इयं चास्ति लोकप्रियाणां हिंदी चलचित्र गीतानां संस्कृतानुवादन गान परंपरा। शमरंगानितं रे मम प्रतिक्षणं रे। वार्तावल्याः गुणवत्ता काले काले वरिष्ठ स्तरे प्रशंसा पात्रताम् अगच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वयमपि द्विवारं वार्तावली कृते प्रशंसापत्रं सम्प्रेष्य निःशेष संस्कृतवृन्दः प्रोत्साहितः।
वार्तावली कार्यक्रमेण हि प्रमाणितम् इदं यत् आङ्ग्लभाषा इतरभाषाः वा इव संस्कृतभाषा अपि आधुनिकपत्रकारितायाः समस्ततत्त्वानि समासादयितुं समर्थास्ति। वदेयं हि कथं त्वां त्वं किं मम एहिनु वैविधेयं सह प्रतिपारयानम् वैष्णवजनस्तु तेनु कथ्यारे पीडां परेषां जानते मातृभूमे लोकहिताय च नित्य समर्पित चित्तानां जित गोपालां कृतु कृत्यानां वित्तं तृणवद दृष्टवतां मातृसेवनादात्मजीवने सार्थकता मानीतवतां वन्दे भारत मा भारत वंदे मातरम। लेट्स सी कौन है धुलाई चैंपियन। चैंपियंस वाली धुलाई क्योंकि क्रिस ने यूज किया पेना सुपर वॉश फोर कलर ग्रैन्यूल्स रोज चंदन की खुशबू मशीन वॉश हो या हैंड वॉश हमेशा पेना ही लेना। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? पहला अक्षर अरट लो तो वैसे एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब नींबू नीम और चंदन युक्त निप बार से करें बर्तनों का शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण। वार्ता वृत्तादि प्रसारण क्रमे समेषां प्रस्तुति कला कौशल्यम। कला कौशल्यम तत्तु शिल्पकलायाम् अधिकम् अपेक्षते, तत्रापि भारतीय मंदिरेषु संस्कृतेः प्राणभूतानां विविधच्छटानां समुपस्थापनं तु प्रावीण्याधिक्यमेव अपेक्षते। एवं शिल्पं तत्र च आपेक्षिकं प्रावीण्याधिक्यम्। मन्ये एतदर्थं तु रघुनाथ महापात्राभिधेयं पद्म विभूषण सम्मान समलंकृतं शिल्पपुरुषं कः विस्मर्तुमिच्छेत्? श्री रघुनाथ वर्येण सह संवादं साधितवती सत्यप्रिया, तदीय कलानुभवादि विषयं सविशदं ज्ञातुम्। डॉक्टर रघुनाथ महापात्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पत्थरों में श्वास को फूंकने की यह कला, शिल्पकला, इससे आपका परिचय कैसे हुआ और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम तो हमारा घर का काम है, हमारा पूर्वजों ने पूरी कोणार्क को भुवनेश्वर बनाया है। अच्छा। हमने किसी ट्रेनिंग स्कूल से कोई कॉलेज से कोई कहाँ से सीखा नहीं। हमारा ग्रैंड फादर जो हमारा नाना जी है वो पूरी राजा का शिल्पी थे। अच्छा। हमारा पूर्वजों ने राजा महाराजा का घर से काम करके आए हैं, तो हम इन्हीं से सीखा था। वही काम से पहले से बचपन से देखते देखते, जब हम छोटे थे हमको टीचर ने मारा, हमारा अंगली फट गया था। अच्छा। तो उस समय मेरा नाना जी पूरी राजा का घर का काम करके आने के समय उन्होंने देखा हमारा खून निकलता है, तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ? हम बोला हमको टीचर मारा। बोला तुमको पाठ पढ़ने का जरूरत नहीं, तुम बैठ के काम करो। तो उसी समय 7 साल उम्र से मैं उसको सीखा। अच्छा। सीख के पूरी में जो पहले तो इतना
कम अभी जैसे मूर्ति उर्ति चलता है, दुकानदार सब लेते हैं, सब बड़े बड़े जगह एक्सपोर्ट होता है, सब नहीं थे। पूरी बाजार में हम लोग लेके चार आना पाँच आना पैसा में बेचते थे। तो ऐसे सीख के जब मेरे को 18 साल हो गया तो भुवनेश्वर में मैं आके हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर में सर्विस किया। सर्विस करके हमने देखा उस समय में हमारा घर में वही कला हम लोग को सिर्फ हम लोग सीखते थे, दूसरे को किसी को सिखाते थे नहीं। तो उसमें क्या होता है, जितना आदमी हमारा घर के आदमी सब रहते थे गांव घर के पास में सब, वही 10-12 आदमी काम करते थे और कोई नहीं करते थे। हमने देखा है डूब जाएगा। तो जिसका आग्रह था सब लोग को ट्रेनिंग सेंटर में काम सिखा के हम 1962 तक 2000 स्टूडेंट को सिखाया। जब हम प्राचीन मंदिरों की बात करें और प्राचीन भवनों की बात करें, वो आज भी खड़े हैं, लेकिन जो आधुनिक जितने भवन बनते हैं जो कि आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनते हैं, उनका जो समय होता है वो शायद 20-30 वर्ष की उनकी आयु होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या था प्राचीन शिल्पकला में, ये लोग देखते थे जस कृति सजीवती, जस कृति जो बनता है वो सजीवती, मतलब जितना दिन रहता है ज़्यादा दिन तो इसका टिकाव ज़्यादा सोचते हैं लोग, कितने ये मंदिर कितना दिन तक टिकेगा। जैसे आदमी का आयुष 100 वर्ष होता है, 60 वर्ष होता है, 70 वर्ष होता है, ऐसे मंदिर वो लोग सोचते थे हजार हजार वर्ष होते, क्योंकि मंदिर तो बार बार इतना पैसा खर्च कर बना नहीं जा सकता है, इसको सुंदर से सुंदर बना और ज़्यादातर कितना दिन रहेगा वो इसका चिंता था। तो जिस जगह में लोहे का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है, वो आजकल जो बिल्डिंग होता है वो कम से कम 70-80 वर्ष 100 वर्ष के अंदर में टूट जाता है, वो हजार वर्ष तक रहा है। अभी पूरी भुवनेश्वर आप देखिए 1500 वर्ष हो गया जी। मंदिर है तो मंदिर जब रहा है उसमें खाली पत्थर में बना गया है। उस समय एक लेप देते थे हम लोग जिसको कराल बोलते थे, कराल चूना और जो गुड़ होता है ना खाते हैं ना हम लोग गुड़ मिला के, इसको गौ को घुमा के घड़ा करके इसको नाम था उड़िया में घड़ा बोलते हैं इसको, उसके अंदर में डाल के उसको पानी बनाता, अरे झूणा जो धूप देते हैं उसी को मिला के तीनों चीज मिला के इसको एक अट्ठा जैसा बनाते थे, वो पत्थर के अंदर में डाल के उस पत्थर को लगा देते थे। तो उसमें वाटर प्रूफ हो जाता है, उसमें पानी नहीं जाता है। अच्छा। और हर पत्थर जैसे हम ईटा का कोई दीवार बनाते हैं एक लेयर रहता है सीधा सीधा रहता है, वो नहीं होता है, आगे पीछे होके पत्थर रहता है, कोई पत्थर किसी का एक पत्थर खुलेगा तो 10 पत्थर खुलेगा तो एक पत्थर खुलेगा, ऐसा टेक्निक था उसमें। अच्छा। तो हिंदू आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें भी कुछ आपको अंतर नजर आते हैं? भगवान ने ऐसा सृष्टि किया, हर आदमी के साथ में हर आदमी मिलते नहीं, कुछ ना कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो जैसे बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, शिल्पी देखता है जिसको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है उसका फेस कैसे रहेगा, इसका मुंह का भाव कैसे रहेगा, वो कितना गंभीर हो जाने के बाद में उसको बुद्धत्व प्राप्त होता है, फिर वो अपने फेस से क्या फील करता है वो फेस से मालूम पड़ता है। कोई श्री कृष्ण का मूर्ति बना देगा उसका बंसरी के ऊपर में भाव रहेगा, राधा के ऊपर में भाव रहेगा वो देखना पड़ेगा, राधा कृष्ण को देखता है, कृष्ण राधा को देखता है, बंसी को भी देखता है, तीनों को एक आदमी दिखता है, तो इसका भाव अलग अलग होता है लेकिन एक प्रस्फुटित एक होता है, एक जगह से होता है। ऐसा बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद गंभीर आ जाता है, जैसे एक आम के पेड़ में जो फूल होता है ऊपर रहता है, जैसे फल हो जाता है वो नीचे झुक जाता है, ऐसे जब आदमी के अंदर में बुद्धि आ जाता है, बहुत ज्ञान आ जाता है, वो झुक जाता है। तो इनका ये भाव रहने से बुद्धत्व, वो देख के उन्हें बोला कि आपका बुद्ध का मूर्ति का भाव बहुत अच्छा है, हम आपको जापान ले गए। हम 74 में उनको जापान लेके मेरे को गए थे और जापान में शांति स्तूप में भी मंदिर बुद्धा मंदिर मूर्ति बना के आया। कोणार्क मंदिर अपने आप में अद्भुत कला का परिचायक है और कई मायनों में अद्वितीय भी है, तो ऐसे में एक दूसरे कोणार्क मंदिर का निर्माण करने की आवश्यकता क्या है? आदमी का जैसे 100 वर्ष आयु होता है वो मरता है, मंदिर का भी कुछ आयु है, वो तो 1000 साल 10 पीढ़ी तक दिखाया हमको खड़ा होके, कितना दिखाएगा, अभी उसका भी तो खेकित है ना, वो भी एक दिन गिरेगा। तो ऐसे 200 वर्ष का पहले वो मंदिर टूट गया, 200 वर्ष पहले हमारा हाथ में हमारा जो शिल्प ब्रिटिश ने शासन किया था, मुगल मराठा देश को शासन करता था, हमारा कला को क्यों देखेगा, वो हमारा कला को लूट के ले गया।
ब्रिटिश म्यूजियम में, अभी कोणार्क का जो सूर्य मूर्ति पूजा होता है वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। अभी एक कोणार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया, उसमें इसके लिए हम लंदन जाके उसको फोटो उठा के लेके आया अभी कोणार्क में बनाने के लिए। वो जो मेन मूर्ति जो चुंबक के अंदर में था, वो मूर्ति लंदन म्यूजियम है। वो जब टूट गया, ब्रिटिशर्स आया उसको बाली उली निकाला, तो भग्न मंदिर था। और बाली के अंदर में जो रेत के अंदर में जो नमक का पानी था वो भी पत्थर को लेकर पत्थर सारा खराब हो गया। अभी वो जो मंदिर है, बड़ा मंदिर टूट गया, उसका पत्थर चारों तरफ में पड़ा है। बड़ा मंदिर को तो हम देखने नहीं मिलता है। जो जगमन है, जगमन को हम आज के 200 साल से आज तक हम कोणार्क करके दिखा रहे हैं। वो भी टूटने वाला है। अभी 10-15 साल में वो टूटेगा, ज्यादातर 20 साल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी खत्म उसका जो जमीन है नीचे आ गया और ऊपर में जमीन हो गया, अंदर में पानी गिरता है, पानी जम के रहता है, तो पर्यटन देख नहीं पाते हैं। इतना इतना पानी बारिश के दिन होता है, वो फाउंडेशन में वो मरता है, सारे मूर्ति खराब हो गया। जिस लोग को हमने दिया काम रखने के संभालने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, ये सारे मंदिर में सादा पत्थर लगा दिया। आप कोणार्क का अभी जाके देखो, सादा पत्थर है। अच्छा, जापान जर्मन लंदन में क्या अच्छा घर नहीं है? वो हमारा देश में आता है घर देखने के लिए, हमारा देश में इससे अच्छा घर है नहीं है। हम भी बाहर जाके देखता हूँ उनका कितना अच्छा अच्छा घर है, वो कला को देखने के लिए आता है। हम अगर सादा पत्थर लगाते हो क्या देखेंगे आके? अभी नया जो कोणार्क है, कोणार्क हम इसको नाम नहीं देके आदित्य नारायण गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न न करते पंचदेव नमस्तुते। उड़ीसा का और 5-4 मंदिर है, वो चार मंदिर चारों तरफ देता हूँ, बीच में भास्कर मतलब सूर्य भगवान का मंदिर देता हूँ। उसमें वो जो बड़ा वाला मंदिर टूट गया उसको भी रिपीट करना अच्छा। पड़ेगा, और इसमें सूर्य भगवान को भी रखना पड़ेगा। अरे जो जो चीज हमारा पास में, जो पत्थर को नरम करने का पद्धति है, कराल बनाने का पद्धति है, मौषधि बनाने का पद्धति है, ये सब जो है बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और इसी काम को इनको सिखाने से ये जो कला है, जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय वाद्य है, जैसे जीवित है वो फिर दोबारा जीवित हो जाएगा। और ये लोग अभी सीख जाएगा तो अकालपुरी टूट जाएगा, भुवनेश्वर टूट जाएगा, तो वही लोग करेंगे। तो अभी आपने बातचीत के दौरान शिल्पी शास्त्र का जिक्र किया, तो आपने और क्या आपके पूर्वजों ने इसका उड़िया में आपने इसका संस्कृत में था जी, देवनागरी भाषा में थे पहले हम लोग का जब, अरे एक ताड़पत्र पोती तो 100,000 साल नहीं रहेगा, बिल्कुल वो जब खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है कुछ कुछ दिन के, 200-300 साल के बाद में कीड़ा लगता है। तो हमारे लोग को जो हम लोग नाहक बोलते हैं, जो ताड़पत्र के लोहे का लिखन के ऊपर में लोहे का कलम के ऊपर में ताड़पत्र में लिखते थे, तो वो ताड़पत्र को लिखने के समय में लोहे के कलम में वो क्या होता था ना, उन लोग को पंडित लोग जो होते हैं, ब्राह्मण लोग जो होता है, पंडित वो संस्कृत पढ़ते हैं, वो संस्कृत पढ़ के इसको बोलते थे, उड़िया में लिखता था। अच्छा, वो किताब हमारा पूर्वजों ने रखते हैं, जब खराब होते फिर हम नया उतार देते हैं। ऐसे होते होते 24 पीस तालपत्र के शास्त्र मेरे पास है। रघुनाथ महापात्र जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जगन्नाथ जी आपको सुखी रखे, आनंद से रखे, आपका दूरदर्शन को कृपा करे। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब नींबू, नीम और चंदन युक्त निप बार से करें बर्तनों का शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण, पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो मट्टी बात करो, पहल करो, शुरुआत करो, करो तो मट्टी। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Good news, got a promotion and a damn good raise. Congrats, beta. Wah, raise? Ab to insurance policy le le. Kaun si company se lo? Choose wahi jis par ho pura bharosa. That's good. But aaj ki generation wants everything online. Easy premium payment options, loan facilities aur wide range of products. Papa, didi, I will decide. Just send your links now. Tum dono bhi na. Same choice. LIC. LIC. Trending with times. 62 saalon se har generation ki pasand.
लेट्स सी कौन है धुलाई चैंपियन। चैंपियंस वाली धुलाई, क्योंकि क्रिस ने यूज किया फेना सुपर वॉश। फोर कलर ग्रैन्यूल्स, रोज चंदन की खुशबू। मशीन वॉश हो या हैंड वॉश, हमेशा फेना ही लेना। शोभनः संवादः। मंदिर विनिर्माण परं शिल्पकर्म सौंदर्यं कथमिव कलाशिखरस्वरूपं इति सम्यगवधारितं स्यात् सर्वैः। नारायण दत्त, परं कलासु संगीत कलायाः अद्वितीयतापि कथमिव न भवति, न्यग्भूता विचिन्तनीया। तथ्यमिदं तत्रापि संगीत समन्वितं प्रफुल्लं गीतं तु भवति हृदयहरणक्षममेव। दर्शकाः प्रफुल्लतिमयं गीतमेव वर्तते अस्माकं स्पर्धागीतमपि। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। एतत् गीतमेव अनूद्य वर्तते प्रेषणीयं त्रयोविंशं दिनांकं, अर्थात् आगामिनं सोमवासरं यावत्। ततः अस्य मासस्य अष्टाविंशे दिनांके ज्ञास्यन्ति भवन्तः गीतानुवादस्य स्पर्धा विजेतृविधानम्। दर्शकाः सामाजिकसञ्चारपटलस्य वैविध्यमये परिदृश्ये आप्तप्रेरणाः भवामः सर्वेऽपि वयम् अहर्निशम्। सामाजिक संचार पटलतः एव संस्कृत संप्रसारकं सर्वं कृत्यजातमपि ज्ञातुं भवामः वयं तत्पराः अपि। एतादृश संस्कृत कार्यक्रमेषु वर्तते प्रसिद्धि पथं भजमानः आवर्षचतुष्कात् मुंबय्यां आयोज्यमानः ध्रुवाख्यः संस्कृत महोत्सवः। तर्हि एतया एव प्रस्तुत्या सह समापयामः वार्तावल्याः सद्यस्तनं क्रममिमम्। तावत् पुनरायास्यामः संस्कृतं सायासं सम्प्रसारयितुं भवत्समक्षं। सम्प्रति तु सर्वशुभाकांक्षिणः सर्वान् समानभावाभिषिक्ताः सन्तः नमामो वयम्। सिद्धं मम सैन्यं हृदये विजधैर्यम्।